सुप्रभात बच्चों, मैं उषा शर्मा लिटिल एंजल स्कूल की तरफ से हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी जानवर और उनके घरों के नाम, यानी कि जानवर होते हैं उनके घर का क्या नाम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। चींटी कि चींटी होती है, उसके घर का क्या नाम है? बाम्बी। बाम्बी यानी कि चींटी के घर को हम कहते हैं बाम्बी। भालू 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 के घर का क्या नाम है? जंगल। जंगल भालू के घर को हम जंगल कहते हैं। मधुमक्खी के घर को हम क्या कहते हैं? छत्ता। छत्ता यानी कि मधुमक्खी होती है वो इस छत्ते में रहती है, इसलिए मधुमक्खी का घर का नाम है छत्ता। चिड़िया 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 के घर का नाम है घोंसला। घोंसला यानी कि चिड़िया होती है वो घोंसले में रहती है, इसीलिए चिड़िया के घर का नाम है घोंसला। गाय के घर का नाम है गौशाला। गौशाला में बहुत सारी गायें रहती हैं और ये गाय का घर होता है, इसे हम कहते हैं गौशाला। कुत्ता 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 का घर होता है कुत्ता घर जिसमें कुत्ता रहता है। हाथी का घर होता है जंगल। जंगल जिसमें हाथी रहता है उसे हम क्या कहते हैं? जंगल। मुर्गी 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 के घर का नाम है कांप। मुर्गी के घर का नाम है कांप जिसमें मुर्गी रहती है। घोड़ा घोड़ा घोड़े के घर का नाम है घुड़साल। घुड़साल जिसमें घोड़ा रहता है। शेर 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 के घर का नाम है मांद। मांद जिसमें शेर रहता है। बंदर 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 के घर का नाम है पेड़। पेड़ सुअर 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 के घर का नाम होता है सुअर सेली जिसमें बहुत सारे सुअर रहते हैं और ये इसका घर है। खरगोश 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 का घर होता है बिल। बिल चूहा 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 का घर होता है छेद, यानी कि चूहे के घर को हम क्या कहते हैं? छेद। भेड़ भेड़
बेड़ का घर होता है बाड़ा, बाड़ा जिसमें बहुत सारी बेड़ बांधी जाती है, ये इनका घर है। सांप, सांप, सांप का घर होता है छेद, छेद। मकड़ी, मकड़ी, मकड़ी के घर का नाम है जाल, जाल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको जानवर और उनके घरों के नाम पढ़ाए हैं। ये सारे आपको अपनी नोटबुक में लिखना और पढ़ना है। ओके, बाय बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।